जिला ब्यूरो चीफ लोकेश शुक्ला की खास रिपोर्ट। पुतला दहन के दौरान महिला कांग्रेस नेत्री की पुलिस से हुई है झड़प। ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष ने पुलिस एसआई पर थप्पड़ मारने का लगाया आरोप। मुरैना में आज जिला महिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण की जिला अध्यक्ष श्रीमती संजू शर्मा के नेतृत्व में पुतला दहन करने को लेकर जौरा पुलिस प्रशासन ने अध्यक्ष जी के साथ अभद्रता की, जिसमें कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी, जिसमें जौरा सब इंस्पेक्टर अतुल सिंह द्वारा जिला अध्यक्ष ने थप्पड़ मारने का आरोप लगाया और पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने को लेकर चक्का जाम की स्थिति बनी, जिसकी सूचना मिलते ही एसटीओपी महिला अधिकारी के द्वारा कार्रवाई न करते हुए कांग्रेस जिला अध्यक्ष को गिरफ्तार कर थाने ले गए। और कांग्रेस जिला अध्यक्ष का आरोप है कि मेरे साथ रास्ते में गाड़ी के अंदर मारपीट की और थाने के अंदर 4 घंटे बैठाए रखा और मेरे मोबाइल में से सारे वीडियो डिलीट कर दिए। श्रीमती संजू शर्मा ग्रामीण मुरैना जिला अध्यक्ष की बाइक व रीतु कांवरे एसटीओपी जौरा की बाइक। एक मिनट, अभी बताइए मामला क्या है। हमने पुतला जलाया, ठीक है, छीन लिया, ठीक है, हमने इनसे छीन लिया, ठीक है, इनने थप्पड़ मार के किसने? मेरे को ये भाई और ये भाई किसने मारा थप्पड़ थप्पड़ किसने मारा? ये मोटे भैया किस बात को लेकर के? अरे मेला कांग्रेस की मेला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष पे हाथ उठाया और फिर एक नारी का सम्मान इनने खत्म किया। मैं एक नारी हूँ, ये सब नारी है, सबका सम्मान खत्म किया। मेरा सम्मान खत्म तो पूरी प्रदेश की महिलाओं का सम्मान खत्म। और सम्मान कहाँ कर रहे हैं मोदी जी, कहाँ कर रहे हैं? 1000 रुपए का ये कर दिया। जो अपनी बहनों को कहते हैं कि तुम्हारी भांजियाँ हैं, हम उनके तुम्हारे मामा, हम सब मांग करते हैं कि एक हमारे जो पुलिस ने जो इन्होंने हम पे अत्याचार किया है उसके विरोध में इनका तबादला चाहते हैं, तबादला चाहते हैं, तबादला चाहते हैं। और जब तक इनका तबादला नहीं होगा, लेकिन चूंकि मैं खुद महिला ऑफिसर हूँ और मेरे ही सब डिविजन की कानून व्यवस्था की स्थिति है, मैं लगातार स्वयं वहाँ पेट्रोलिंग पर थी और वहाँ उपस्थित थी। ऐसी कोई भी बात नहीं थी कि उनके सामने कोई बदतमीजी की गई हो या हाथ अपाई की गई। अभी कोई कार्रवाई की जा रही है? इसमें वीडियोग्राफी कर ली गई है, जैसे साक्षात उसके अनुसार कार्रवाई की गई। जो हमारे राहुल गांधी जी वो सदस्यता उसे निकाला गया है, उसके विरोध में हमने आज मोदी का पुतला दहन किया था। इधर कहाँ पर किया था? गांधी पार्क। अच्छा, तो जब हम उसको लेके जा रहे थे तो ये लोग आए थे। कौन लोग आए थे? से पता था पुलिस वालों को, जो उनको पहले से हमने बता दिया था कि महिलाएं अपना प्रोग्राम मोदी का पुतला जला रही है। तो इनको ये पता था जब महिलाएं आ रही हैं तो हम महिलाओं को लेके जाए। महिला पुलिस हमको मार डालती फिर भी हम कोई आवाज नहीं निकालते, क्योंकि हम बराबर के थे, बहन बहन थे, हम भी उनमें कुछ करते दे दे, वो भी हमें दे दे, कोई बात नहीं थी, अपमान नहीं था। इनने मोदी का पुतला छीना मेरे से और मेरी बहन थी, इनका हाथ मरोड़ दिया, मेरे को चांटा लगा दिया और चांटा लगा के उसको छुड़ा लिया। फिर हमने इनसे फिर भी झटक लिया वो, और फिर ये बाल्टी पानी की लाए तो इनने सब बहनों के ऊपर बाल्टी ऐसे घुमा घुमा के, तो कई बहनों को चोट आई है हमारी बहनों के बाल्टी की। और उसके बाद में एक महिला का अपमान किया है और महिला का अपमान कांग्रेस पार्टी बिल्कुल सहन नहीं करती है, क्योंकि ये सब मोदी सरकार में, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की सरकार में और ये बीजेपी सरकार में ही होता आया है कि महिलाओं का कहीं स्थान नहीं है, महिलाओं की कहीं इज्जत नहीं है, महिलाओं की इज्जत को तार तार करने पर तुले हैं। तो आज हम इनको लेके जो इनमें चांटा मारा है, महिलाओं को, हमारी बहनों का, मेरा सम्मान गिराया है, तो हम इसी पे यहाँ जब तक इनका तबादला नहीं होगा, हम इसके तबादले के दोनों, एक राज है एक अतुल सिंह है, हम साथ ही मध्य प्रदेश की नहीं हुई है। चूंकि महिला कांग्रेस संजू शर्मा के द्वारा पुतला दहन किया जा रहा था, क्योंकि पुतला दहन होता है तो कई बार कैजुअलिटी हो जाती है, खुद जो पुतला दहन कर रहे हैं उनके साथ या स्टाफ के साथ में, तो इसलिए सुरक्षा के तौर पर उस पर पानी डाला गया, जिसको शायद संजू शर्मा ने कुछ गलत तरीके से लिया है कि विरोध करने से हम रोक रहे हैं। लोकतंत्र कोई विरोध करने से नहीं रोक रहा। अभी पानी डाल करके जो आग बुझाएगी इसका उन्होंने पुलिस वाले को बदतमीजी और तरह तरह के आरोप लगाते हुए चक्का जाम कर दिया। चक्का जाम करना गैर कानूनी है, जिसके संबंध में पूर्व से निर्देश है कि जो चक्का जाम करेंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। बस ये वहाँ से चक्का जाम खुलवाया गया, उनको वहाँ से हटाया गया, जिस कारण वो पुलिस पर आरोप लगा। उनका कहना है कि मतलब कोई महिला कांस्टेबल नहीं थी।